जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में, जो कि एक लेटेस्ट भर्ती है और ये भर्ती परमानेंट बेसिस पर है। यानी कि अगर आपका एक बार इन पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया तो आपकी नियुक्ति परमानेंट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके इन सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर अभी वीडियो के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइटेड इशू है, बट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप एक एक करके इन सभी जानकारी के बारे में जान लीजिए। तो जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है इसके अकॉर्डिंग जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 23 अक्टूबर 2021 से हो सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस शॉर्ट नोटिस को अभी इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आना बाकी है। अगर ये कल के न्यूज़पेपर में आ जाता है जिसके फिर एक दिन बाद से आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे, तो उसके बाद आप लोग इस फॉर्म को 22 नवंबर 2021 तक भर सकते हो। कल अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके आपको जानकारी दी जाए ताकि आप इन सभी पोस्ट के फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा रिलेवल बाई अनअकैडमी के बारे में, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, बट अगर नहीं सुना तो आप इस वीडियो के अंदर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी शॉर्ट में जान लीजिए, जहां पर बेसिकली आप अपनी मनपसंद जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर 15 दिन के अंदर पा सकते हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको आपकी स्किल के माध्यम पर जॉब दे दी जाती है जो कि आप घर बैठे इसमें अपने मोबाइल से आराम से अप्लाई कर पाओगे। तो बेसिकली रिलेवल बाई अनअकैडमी इसको स्पॉन्सर करता है, या फिर कह लीजिए कि अनअकैडमी की ही ये कंपनी है। इसमें दोस्तों आप लोग 4 स्टेप के अंदर जॉब पा सकते हैं। कैसे? पहले आपको टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है, फिर आपको एक टेस्ट देना है, उसके बाद इंटरव्यू विद एम्प्लॉयर यानी कि जो एम्प्लॉयर जो कि आपको जॉब दे रहे हैं उसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू फिक्स हो जाएगा, और फिर बस आपको जॉब को एक्सेप्ट करना है। अब यहां पर दोस्तों रिलेवल का क्या काम है? रिलेवल बहुत सारी कंपनी के साथ में टाई अप की हुई है, और जिनमें बड़ी बड़ी कंपनी है करेड, अपग्रेड, अर्बन कंपनी, मीशो और भी बहुत सारी कंपनीज है, 200+ लीडिंग कंपनीज जो कि इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है उनके साथ में इनका टाई अप है। अब आपको बेसिकली क्या करना है इसमें अप्लाई करने के लिए, आपको यहां पर गेट हायर्ड के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस कैटेगरी के अंदर जॉब में अप्लाई करना है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट और बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट। तो मान लीजिए मुझे अप्लाई करना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट, तो मैं यहां पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर दोस्तों आपको बुक योर फ्री स्लॉट इसके ऊपर क्लिक करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डाल करके उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई करके यहां पर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर आप लीडर बोर्ड यानी कि ये भी देख सकते हैं कि किन किन को अभी तक इसमें अप्लाई करने के बाद में जॉब मिल चुकी है। तो आपको यहां पर टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक स्लॉट बुक कर लेना है। स्लॉट से मतलब है कि जिस भी डेट में आपको टेस्ट को देना है। उसके बाद दोस्तों आपके 5 टेस्ट होंगे जो कि सेम डे के अंदर होंगे, फेज फर्स्ट और फेज टू। फेज फर्स्ट के अंदर आपके 2 टेस्ट है जिसमें आपको 1-1 घंटे का समय दिया जाएगा। फेज टू के अंदर आपके 3 टेस्ट है जहाँ पर आपको फर्स्ट 2 टेस्ट के लिए 60 मिनट और तीसरे के लिए 45 मिनट दिए जाएंगे। अब जैसे ही आप ये टेस्ट कर लोगे तो उसके 24 घंटे के बाद आपको आपका रिलेवल स्कोर बता दिया जाएगा। अगर आपका रिलेवल स्कोर 700+ रहता है तो आपको यहां पर कंपनीज के साथ में डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा और फिर उसके बाद में आपको जॉब दे दी जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसका इस्तेमाल करके अभी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छा मौका है, कहीं पर कोई चार्ज आपको देने की आवश्यकता नहीं है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने के लिए कोई सी भी कैटेगरी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। एज लिमिट आप यहाँ पर पोस्ट वाइज देख लीजिए, साथ ही पोस्ट के नाम भी जान लीजिए। ये भर्ती आपकी सिविलियन एमटी ड्राइवर ओजी की पोस्ट पर है, फोक लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट पर है, एमटी फिटर, एमटी मैकेनिक की पोस्ट पर है,
फायरमैन की पोस्ट पर है, इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, एमटीएस चौकीदार की पोस्ट है और लश्कर की पोस्ट है। यहाँ पर आप सभी की जो एज लिमिट है वो देख पा रहे हैं। ये जो एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि 18 से 27 साल के बीच, 18 से 30 साल के बीच इंजन ड्राइवर की पोस्ट पर है और लश्कर की पोस्ट पर है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट अलग से दी जाएगी। अभी आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कहाँ पर उसकी जॉब लोकेशन होने वाली है। जैसे कि सिविलियन एमटी ड्राइवर ओजी की जो लोकेशन है वो इन जगह पर होगी जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जिसमें कि हल्दिया, कोलकाता, भुवनेश्वर एंड प्रदीप। इसके अलावा फोक लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट आपकी भुवनेश्वर के अंदर होगी, और जो आपकी एमटी फिटर, एमटी मैकेनिक, फायरमैन, इंजन ड्राइवर है, इनकी पोस्टिंग आपकी क्रमशः कोलकाता और हल्दिया के अंदर होने वाली है। अभी बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी सिविलियन एमटी ड्राइवर ओजी की पोस्ट है, जिसके लिए 8 पद है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बोथ हैवी एंड लाइटर, यानी कि आपके पास लाइट का भी होना चाहिए और हैवी का भी। इसके अलावा आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ड्राइविंग मोटर व्हीकल, एंड आपको जो मोटर मैकेनिज्म, यानी कि अगर आपके वाहन के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए वो आपको ठीक करनी आनी चाहिए। फिर जो फोक लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे आईटीआई की योग्यता मांगी है और आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसी ट्रेड में। साथ ही आपसे बोला है कि अगर आपके पास ये फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको बोला है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड फॉर विच नो ट्रेनिंग इज अवेलेबल इन आईटीआई और अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके ट्रेड के अंदर इसमें, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपके पास 10वीं और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एमटी फिटर, एमटी मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता या उसके बराबर, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के अंदर। अगर आईटीआई होगी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर तो आपको और भी ज़्यादा महत्वता दे दी जाएगी। वैसे आप इस पोस्ट पर 10वीं के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हो। फायरमैन की पोस्ट के लिए 4 पद है, अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपल 10वीं पास की योग्यता मांगी है। इंजन ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देना होगा इंजन ड्राइवर के अंदर, बेसिकली जहां पर आपको सर्टिफिकेट ये शो करेगा कि हाँ आपको इस के बारे में काफी नॉलेज है, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इसको यहां पर कहा गया है। इसके अलावा 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा है सर्विंग सर्विस एज सारंग ऑन ए वेसल ऑफ ओवर 400 बोट हॉर्स पावर, ये आपको अगर होगा तो आपको और भी महत्वता दे दी जाएगी। एमटीएस चौकीदार पर आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही चौकीदार के रूप में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लश्कर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है सर्विस ऑन बोट इसका। फिर दोस्तों ये जो आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन वे में, ये आपको फिल करके इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, जो कि है 2 हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन एनी सिंथेसिस बिजनेस पार्क 6th फ्लोर सहरसी बिल्डिंग राजा हरट न्यू टाउन कोलकाता। तो आई होप आपको यहाँ पर इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, और अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट है इस भर्ती को लेकर के, किसी भी जानकारी को लेकर के बेसिकली, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।